नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। तो चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। सिंगरौली में 10 वर्षीय मासूम ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, सदमे में परिजन, यह है मामला। मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में 10 वर्षीय मासूम ने फांसी लगा ली। घटना की जानकारी मिलते ही परिजन आनन-फानन में उसे लेकर अस्पताल पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस घटना के बाद से मृतक के परिजन सदमे में हैं। इसकी जानकारी पुलिस को दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भिजवाया। हासिल जानकारी के मुताबिक सिंगरौली जिले के मोरवा थाना क्षेत्र में यह हृदय विदारक घटना घटित हुई। यहां एनसीएल कॉलोनी के एचबी 291 में रहने वाला ऋषु उर्फ इंद्रेश सिंह पिता गुमान सिंह घर पर अपने कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बताया गया है कि मासूम कक्षा चौथी का छात्र था, जिसे मां ने पढ़ने के लिए डांट दिया। यह बात उसे इतनी नागवार गुजरी कि उसने कमरे में जाकर आत्महत्या जैसा कदम उठा लिया, जिसे वह यह हृदय विदारक घटना घटित हुई। उस दौरान उसकी मां और मृतक का बड़ा भाई कर्मवीर सिंह दूसरे कमरे में थे, ड्यूटी पर गए हुए थे। पिता एनसीएल कॉलोनी में 10 वर्षीय मासूम ऋषु उर्फ इंद्रेश सिंह ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, जिस दौरान उसने यह घातक कदम उठाया। उसके पिता ड्यूटी पर गए हुए थे, घर पर मृतक का बड़ा भाई और मां दूसरे कमरे में मौजूद थे। घटना की जानकारी मिलने के बाद उसे अस्पताल ले जाया गया, किंतु डॉक्टरों ने जांच उपरांत उसे मृत घोषित कर दिया। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।